हम बनाएंगे कढ़ी, दही पकौड़े की कढ़ी बनाएंगे। तो इसमें कम से कम एक कढ़ी कौली दही था और उसमें हमने एक कप बेसन डाल दिया उसमें। अभी इसको अच्छे से घोल लिया है हमने और फिर इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। तो गाइस हमें इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, हल्दी डालेंगे थोड़ी सी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी मिक्स कर देंगे इसको अच्छे से, थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा मसाला डालेंगे, ये अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे। बैटर को और 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। आज मैं कढ़ी बनाने जा रही हूँ, तो मैंने कढ़ी का बैटर रेडी कर दिया है और अभी मैंने कढ़ाई रख के इसमें तेल डाल दिया है एंड देन अभी मैं जीरा डालूंगी इसमें। अभी इसमें मैं ऑनियन डालूंगी काट के, लंबा लंबा ऑनियन डालूंगी। तो गाइस इसमें हमने ऑनियन डाल दिया है काट के, अभी इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। तो गाइस इसमें टमाटर डाल दिया है, अभी हम इसमें डालेंगे आलू। हमने आलू को अलग से बॉईल किया है ताकि वो अच्छे से भाजी बनने के बाद कच्चे कच्चे ना रह जाए, तो पहले हम हल्के से बॉईल कर देंगे फिर इसको हम भाजी में डाल देंगे, तब तक हमारा ये तड़का हो जाएगा। तब तक हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, डालेंगे मसाला, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, ये हम अभी सब मिक्स कर देंगे। अभी 2 मिनट पकने के बाद इसमें हम आलू डाल देंगे। गाइस मैंने इसमें मिर्ची चिली कटर कर दिया है, अभी हम इसमें डालेंगे आलू। तो गाइस इसमें आलू डाल दिए हैं, इसमें आलू डालने से पहले हल्के से बॉईल कर दिए थे हमने, क्योंकि जो ये भाजी है वो जल्दी पक जाती है कढ़ी, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो आलू इसमें कच्चे रह जाते हैं, तो हम पहले इसको थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे आलू को। तो इसलिए बॉईल करके अभी हम इसमें डाल दिए हैं ताकि आलू में कच्चापन ना रह जाए। तो गाइस अभी हम ये मिक्सचर डालेंगे इसमें, ये दही और बेसन का मिक्सचर है, इसमें कुछ मसाले डाले हुए थे, तो अभी हम ये इसमें डाल देंगे। अभी जो लेफ्ट ओवर है इसमें पानी डाल के हम लोग ये भी इसमें डाल देंगे। तो गाइस मैंने इसमें पानी डाल दिया है, अभी इसको अच्छे से 10-15 मिनट तक बॉईल करेंगे और हमारी कढ़ी तैयार हो जाएगी। गाइस हमारी कढ़ी बन चुकी है, देखिए और देखिए इसके आलू भी मेल्ट हो रहे हैं, आलू भी इसके अच्छे से पक चुके हैं इसमें। सुपर बॉल यम्मी बनी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। अभी इसके ऊपर हम धनिया स्प्रिंकल करेंगे और खाएंगे। आप इसमें पकौड़े भी डाल सकते हो, मैं अभी इस टाइम पे पकौड़े नहीं डालूंगी, जब मैं सर्व करूंगी तो उसके ऊपर से मैं पकौड़ा रखूंगी, तो इसमें क्रिस्पी का भी वो टेस्ट आएगा इस पकौड़े के साथ। चलो आओ गाइस खाते हैं फिर गरम गरम कढ़ी विथ क्रिस्पी पकौड़ा।